बौद्ध हो, ईसाई हो, जिसको इस देश से प्रेम है उसको देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रेम होना चाहिए, देश के संविधान से भी प्रेम होना चाहिए। मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं है मैडम, ये देश के संविधान के अगेंस्ट, ये देश के संविधान के अगेंस्ट है। धारा 14 क्या कह रहा है इस देश का? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था और उस वक्त के महापुरुषों ने जो संविधान की बनने पर सहमति जाहिर की थी, क्या आज के वजीर दाखिला से वो बेवकूफ थे? आज के हमारे वजीर दाखिला अकलमंद है कि आज उस संविधान को बदलने की बात हो रही है? जब आज 14 के अगेंस्ट आप बिल बना रहे हैं और आप संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ये देश के लिए नुकसानदेह है, ये मुसलमान के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि इस देश में रहने वाले हर हिंदुस्तानी के खिलाफ है और ये जहर है। अगर आज इस बिल के खिलाफ हम लोग सड़क पर नहीं आए और इस बिल को वापस लेने पर मजबूर नहीं किया सरकार को, तो कल के वक्त में किसी दूसरे आर्टिकल को ये छेड़ेंगे। देखिए, हमारे इस बिल के वापस न होने पर हमारे पास में अभी, जैसा कि कहा जा रहा है, हमारे कुछ पत्रकार बंधु ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी भी इस पे साइन कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी हमारे इस बिल पर साइन करेंगे, लेकिन करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिस संविधान की शपथ इन लोगों ने पार्लियामेंट में ली थी, आज उसी संविधान को बदलने की ये लोग बात कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी की जिम्मेदारी बनती है कि उस बिल को दोबारा वापस भेजे पार्लियामेंट के अंदर और ये कहे कि इस पे दोबारा विचार करेंगे। और अगर किसी वजह से राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिया, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जमीयतुल उलमा हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी है मौलाना महमूद मदनी जी हैं, उनका जो आदेश होगा, आगे का जो कदम होगा, हम उनके पीछे पीछे होंगे। लेकिन हम लोगों की सोच ये है कि हमारे सामने कोर्ट भी है, हम अपने देश के संविधान की सुरक्षा के लिए कोर्ट से भी गुहार लगाने की जरूरत पड़ेगी, लगाएंगे। कि ये लोग जो रातों में फैसला करते हैं, आज के लोग कि जो इस देश के अंदर गरीब मर रहा है, जो गरीबी और बेरोजगारी की वजह से लोग जो सो परेशान है, आज लोग किसान जो है सो आत्महत्या कर रहा है, आज नौजवान पढ़ा लिखा आदमी जो है रोड पर खाली घूम रहा है, उनकी विचार न करके, उनकी चिंता न करके देश में एक ऐसा कम्युनलाइज करने की कोशिश हो रही है कि जिससे देश जो सो बंटवारे की तरफ जाए। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं अपने माननीय राष्ट्रपति जी से कि वो पुनर्विचार के लिए इस बिल को दोबारा पार्लियामेंट के अंदर भेजे और उनको हवाला दे कि 14 का जो है सीधा सीधा इसको हट किया जा रहा है और ये धर्म के आधार पर ये बिल लाया जा रहा है, जबकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर कोई बिल नहीं लाया जा सकता। अगर धर्म के आधार पर ये बिल आएगा तो ये मुसलमान के अगेंस्ट नहीं होगा बल्कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, इस देश के संविधान के खिलाफ होगा और देश के संविधान की सुरक्षा देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जिसको इस देश से प्रेम है उसको देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रेम होना चाहिए, देश के संविधान से भी प्रेम होना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज हम जंतर मंतर पर आए हैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।